हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट की इस लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर प्रोसेस की। यानी कि बेसिकली मैंने आपको जो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर बताया था उसमें मैंने बताया था कि वेरियस सर्विसेज कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। सो उसमें बेसिकली रिक्वेस्ट ऑफ सर्विसेज या उसको जो भी रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है वो किस तरीके से काम करेगा, क्या आर्किटेक्चर होगा उसका, इसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। होता क्या है एसओए में बेसिकली कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर है इसके पास वैरायटी ऑफ सर्विसेज अवेलेबल है। मींस कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर है इसने क्या कर रखा है कि कई सारी सर्विसेज उसको ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है। अब अगर कंज्यूमर उस सर्विस को यूज करना चाहे तो कंज्यूमर क्या करेगा, अगर उसको सर्च करना है तो जो भी क्रिएट की हुई सर्विस है ये किसी ना किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर की गई होगी जहां से यूजर उस पर्टिकुलर सर्विस को यूज कर सके, राइट? तो इस केस में क्या होता है बेसिकली कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो क्या करता है, जो भी सर्विस क्रिएट करता है XYZ, जितनी भी टाइप की सर्विसेज क्रिएट करता है उन सबको एक किसी पर्टिकुलर कॉमन प्लेस पे स्टोर करता है जहां से यूजर उन सर्विसेज को सर्च कर सकता है कि वो सर्विस वहां पे पर्टिकुलरली अवेलेबल है या नहीं है। तो जो प्रोसेस यानी कि ये भी जो भी सर्विसेज यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर क्रिएट करता है इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी वहाँ पे स्टोर करके रखता है, इसको हम बोलते हैं सर्विस रजिस्ट्री प्रोसेस। जिसमें कि बेसिकली क्या होता है कि डिफरेंट सर्विसेज जो भी क्रिएट की जाती हैं सर्विस प्रोवाइडर के साइड से उसको स्टोर करते हैं, राइट? अब इसी तरीके से सर्विस कंज्यूमर क्या कर सकता है कि जहां पे भी सर्विस क्रिएट की गई यानी कि जो भी डायरेक्टरी है सर्विसेज की वहां पे उस पर्टिकुलर सर्विस को चेक कर सकता है कि वहां पे वो सर्विस अवेलेबल है या नहीं है। तो ये है एसओए का यहाँ पे रोल कि एसओए में क्या है बेसिकली वैरायटी ऑफ सर्विसेज जो भी अवेलेबल है उसके बीच में आपस में जो भी सर्विसेज अवेलेबल है यूजर किस तरीके से उन सर्विसेज को रिक्वेस्ट कर सकता है। और दूसरी चीज ये है कि एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है एसओए का कि सपोज इफ एनी सर्विस नंबर 1 इट इज ऑलरेडी क्रिएटेड तो क्या होगा, जो भी यहाँ पे सर्विस कंज्यूमर है मीन सपोज कोई एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि किसी पर्टिकुलर सर्विस को यूज करना चाहता है वो इसके ऊपर या सपोज कुछ फर्दर डेवलपमेंट करना चाहता है तो ऑलरेडी इफ एनी सर्विस इज क्रिएटेड तो अगेन वो क्या करेगा, इस सर्विस को फिर से क्रिएट नहीं करेगा, इसी सर्विस को बेस लेके मीन्स इस सर्विस को यहाँ से डायरेक्टली जो भी क्रिएटेड है ऑलरेडी यहाँ पे यूज कर सकता है प्लस जो एडिशनल यहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स उसको लगता है इस पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कि ही कैन और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो इम्प्रूव कर सकता है कुछ चीज़ें तो एडिशनली यहाँ पे जो भी इम्प्रूवमेंट्स होंगे वो यहाँ से इसमें एड ऑन कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए एक क्या हुआ कि बार बार जो डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको सर्विसेज इनिशियल लेवल से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है मींस कि ऑलरेडी यहाँ पे अगर कुछ क्रिएटेड सर्विसेज अवेलेबल है तो वो क्या करेगा उन्हीं सर्विसेज को बेसिस लेके मींस जो सर्विसेज पहले से हैं उसी को यहाँ पे बेस सर्विस बना के और उसी पे एडिशनल इम्प्रूवमेंट कर सकता है। बट अब यहाँ पे क्या है कि ये जो सर्विस पहले से अवेलेबल इसको यूज करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, जो सर्विस प्रोवाइडर जिसने उस सर्विस को क्रिएट की थी तो उससे उसको परमिशन लेनी पड़ेगी कि जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है वो उस पर्टिकुलर उस सर्विस को यूज़ कर सकता है या नहीं, या अगर यूज़ करना चाहता है तो उसका क्या चार्जेस है या क्या मैकेनिज्म है, क्या प्रोसेस है, या जो भी लाइसेंसिंग वगैरह उसका जो भी यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होगा जिसके बेसिस पे इस पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर का कोई भी एक सर्विस कोई एक कंज्यूमर वो उस सर्विस को यूज़ करके फर्दर उसमें डेवलपमेंट कर सकता है। तो बेनिफिट यहाँ पे अगर क्या है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको अगेन एंड अगेन सारे सर्विसेज बार बार क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, अगर वो सर्विसेज ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल है मींस क्रिएटेड है तो उन्हीं सर्विसेज के बेसिस पे फर्दर ये ऑर्गेनाइजेशन उन सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकता है। तो ये है यहाँ पे रोल एसओए का कि एसओए बेसिकली क्या कर रहा है कि जो भी सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल है वो डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ से देख के पता चल जा रहा है कि दीज आर द वेरियस सर्विसेज जो कि ऑलरेडी क्रिएटेड है उस डायरेक्टरी में चेक करके जहाँ पे सारी की सारी सर्विसेज स्टोर है वहाँ पे सर्च करके यहाँ पे कंज्यूमर ये पता कर सकता है कि वो सर्विसेज वहाँ पहले से अवेलेबल है या नहीं है। इफ द सर्विसेज आर अवेलेबल तो उन्हीं सर्विसेज को और इम्प्रूव कर सकता है, इफ द सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल तो वो क्या करेगा कि इनिशियली वहाँ से इनिशियल लेवल से सर्विसेज क्रिएट कर सकता है। तो बेसिकली ये है कंसेप्ट
सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर का. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द प्रोसेस कि क्या प्रोसेस है इसमें, मींस क्या सीक्वेंस है कि किस तरीके से रिक्वेस्ट करता है यूजर या जो सर्विस प्रोवाइडर है वो रिस्पॉन्स किस तरीके से जनरेट करता है. तो यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि फर्स्ट स्टेप मैंने जो यहाँ पे मार्क किया हुआ दैट इज फाइंड. तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी डिफरेंट सर्विस कंज्यूमर्स हैं जो कि बेसिकली क्या है रिक्वेस्टर हैं ऑफ सर्विसेज, कि जो भी सर्विसेज अवेलेबल है उसके लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट करेगा. तो फर्स्ट स्टेप विल बी द फाइंड. इसमें क्या करेगा कंज्यूमर चेक करेगा कि इफ द सर्विसेज आर अवेलेबल और नॉट, राइट. अब यहाँ पे क्या होगा बेसिकली जो भी यहाँ पे सर्विस डायरेक्टरी है इस सर्विस डायरेक्टरी में जो भी यूजर का रिक्वेस्ट है ये यहाँ पे सर्च करेगा, उसको रिजल्ट मिलेगा कि वो सर्विस अवेलेबल है या नहीं है. अब स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर में क्या होगा कि इफ द सर्विस इज अवेलेबल, तो जो भी सर्विस अवेलेबल है वहां पे उस पर्टिकुलर सर्विस का कोई एक आईडी होगा, उस आईडी को लेके यहाँ पे यूजर क्या करेगा बाइंड करेगा और इन्वोक. ये दिस स्टेप इज नोन एज बाइंडिंग ऑफ सर्विस और इन्वोकिंग द सर्विस. के इस स्टेप में बेसिकली क्या करेगा कंज्यूमर यहाँ पे जो भी सर्विस आईडी है उस सर्विस आईडी को यहाँ पे प्रोवाइडर के पास इन्वोक करेगा कि यूजर इस पर्टिकुलर सर्विस उसको यूज करना चाहता है. तो एक यहाँ पे रिक्वेस्ट क्रिएट होगी सर्विस प्रोवाइडर के पास. अब सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा जो भी यहाँ पे रिस्पॉन्स जनरेट करना है, मीन्स कि इस पर्टिकुलर यूजर इसके रिक्वेस्ट के लिए जो भी रिस्पॉन्स होगा तो क्या होगा यहाँ पे इस स्टेप के बाद एक यहाँ पे रिस्पॉन्स जनरेट करेगा. मीन्स कि द सर्विस प्रोवाइडर विल ग्रांट द परमिशन टू द कंज्यूमर कि जो भी उसको सर्विस यहाँ से यूज करनी है वो उस पर्टिकुलर सर्विस को यूज कर सकता है. तो ये तो हो गया स्टेप नंबर टू. अब उसके बाद एडिशनली यहाँ पे स्टेप थ्री का रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे स्टेप नंबर थ्री दिख रहा होगा दैट इज रजिस्टर. अब अगर इसकी बात करें कि यहाँ पे स्टेप थ्री का क्या रिक्वायरमेंट है तो सपोज यहाँ पे कुछ एडिशनल सर्विसेज यानी कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वो क्या करता है कुछ एडिशनल सर्विसेज अगर क्रिएट करता है तो क्या करेगा. अब जो भी सर्विस यहाँ पे नई सर्विस अगर क्रिएट होती है तो सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा कि यहाँ पे जो डायरेक्टरी है उसमें अपडेट करेगा अपनी सर्विसेज को कि द सर्विस प्रोवाइडर हैज क्रिएटेड वन मोर सर्विस. तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टेप नंबर थ्री इसमें क्या होगा द सर्विस प्रोवाइडर विल रजिस्टर द सर्विस टू द सर्विस डायरेक्टरी, राइट. ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे रजिस्ट्री. अब रजिस्ट्री का जो प्रोसेस है मींस कि अगर जो भी यहाँ पे रजिस्ट्री किया जा रहा है दैट मींस कि जो सर्विस यहाँ पे है उसको अगर हम सर्विस डायरेक्टरी में पुट करना चाहते हैं तो क्या होगा अगर सारे हम सर्विस प्रोवाइडर को फ्री छोड़ दें कि कुछ कोई कैसे भी सर्विस यहाँ पे पुट कर सकता है तो उस केस में क्या होगा कि कोई किसी फॉर्मेट में यहाँ पे सर्विसेज स्टोर करेगा कोई किसी दूसरे फॉर्मेट में करेगा तो कंज्यूमर के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा सारे के सारे जो भी फॉर्मेट है उसको अंडरस्टैंड करना. तो इसके लिए क्या होता है बेसिकली एक जनरलाइज्ड फॉर्मेट या जो भी होता है कि मींस एक ऐसा फॉर्मेट यहाँ पे डिफाइन किया जाता है कुछ स्टैंडर्ड्स यूज किए जाते हैं कि उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को फॉलो करके ही उसी फॉर्मेट में यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर अपने सर्विसेज का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में पुट करेगा. तो इसमें बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ें यूज होती हैं. फर्स्ट इज WSDL विच इज नोन एज वेब सर्विसेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, यानी कि जो भी यहाँ पे सर्विस होगी इट विल बी क्रिएटेड इन XML लैंग्वेज. तो इसके लिए इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज यूज करते हैं जो कि इस पर्टिकुलर जो भी सर्विस है उसका डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए यूज करते हैं, यानी कि इसी पर्टिकुलर लैंग्वेज का यूज करके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन राइट किए जाते हैं जो कि यहाँ पे डायरेक्टरी में स्टोर होते हैं. अब इसी तरीके से नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है दैट इज UDDI. UDDI का फुल फॉर्म क्या है दैट इज यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन डिस्कवरी एंड इंटीग्रेशन, यानी कि इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन का यूज करके या जो भी है यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ थ्रू सम API यहाँ पे सर्विसेज पुट की जाती हैं. तो ये टू स्टैंडर्ड्स यहाँ यूज किए जाते हैं जिसकी हेल्प से जो भी सर्विस प्रोवाइडर अगर किसी भी सर्विस को रजिस्टर कराना चाहता है इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में तो वो अपनी सर्विसेज यहाँ से रजिस्टर करा सकता है, राइट. तो ये है सारा प्रोसेस. नाउ अब सपोज यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर ने यहाँ पे सर्विस भी रजिस्टर करा ली. अब अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं इन शॉर्ट इम्प्लीमेंटेशन किस बेसिस पे होगा या जो सर्विसेज यूज कर रहा है यूजर वो किस बेसिस पे यूज कर पाएगा तो बेसिकली यहाँ पे द यूजर विल यूज वेब सर्विसेज जिसमें कि बेसिकली क्या होता है ये टू स्टैंडर्ड्स ये यूज किए जाते हैं और इन वेब सर्विसेज का इम्प्लीमेंटेशन ये होता है विद द हेल्प ऑफ
SOAP, इट इज नोन एज SOAP, इसका फुल फॉर्म है दैट इज सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, विच इज नोन एज एन स्टैंडर्ड फॉर ऑल दीज बेसिक्स. मीन्स कि ये जो सारी भी चीज़ें हो रही हैं इसके लिए एक यहाँ पे एक्सेस स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज करते हैं, विच इज नोन एज सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, जो कि यहाँ पे जो भी सर्विसेज है उसकी एक्सेसिंग के लिए इसका हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, राइट. तो ये सारी चीज़ें थी बेसिकली सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में. तो आज के लिए इतना ही, बाकी की चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.